दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोग को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट मुकेश कुमार स्वागत करते हैं आपको डोंट वरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों गेस कीजिए, अगर 5 बिलियन सेल्स का जो ब्लॉक आईडीज है वो अगर खुल जाए, वो अगर अनलॉक हो जाए, तो जो आपका डाउनलाइन घट गया था, आपका जो नेटवर्क घट गया था, आईडी लॉक होने से पहले आपने देखा होगा, ये जो आईडी अभी लॉक हुआ है, मतलब जो है सिक्योरिटी फॉर्म जब आया है तो आपने फॉर्म गलत भर दिया है या किसी कारणवश से जो आपका लॉक हुआ है। इससे पहले की मैं बात बोल रहा हूं कि देखे होंगे कि जब 5 बिलियन सेल से सफैया करना स्टार्ट किया था, गलत लोगों को जो है यहां से हटाना शुरू किया था, तो आप लोगों का जो है डाउनलाइन वो धीरे धीरे कम रहा था। मेरा भी बहुत सारा कम गया है, मेरा भी दोस्तों 300 से ऊपर जो है डाउनलाइन घट गया है। तो सभी लोग का आईडी क्या कर रहा था, ब्लॉक कर रहा था। तो ब्लॉक करने का जो रीजन वहां पर था, जैसे कि बहुत लोग फेक आईडी बनाए थे उसके लिए किया था, या बहुत लोग क्या किए थे कि वैलिडेशन ही नहीं कर रहे थे, है ना, बहुत लोग जो है की ब्राउजर जो है यूज ही नहीं कर रहे थे, बहुत लोग क्या किए थे कि कंट्री गलत डाल दिए थे, कंट्री कोड गलत डाल दिए थे, जिसके कारण से लोगों का आईडी ब्लॉक हो गया था और जिसके कारण से जो हम लोग का जो नेटवर्क है वो धीरे धीरे डाउन हो गया था। ठीक है ना, आपको मालूम है ना, क्यों मालूम नहीं होगा यार, आपका जो नेटवर्क घट गया है तो पता होना चाहिए, आपको होगा ही पता। तो दोस्तों अगर वो नेटवर्क आ जाए, वो जो घट गया था नेटवर्क, अगर नेटवर्क आ जाए तो मस्ती होगा कि नहीं, मजा आएगा कि नहीं, मजा आएगा ना। और दोस्तों वो नेटवर्क हो सकता है लौट के चला है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जितने भी फेक आईडी बनाने वाले लोग जो हैं, जिनका आईडी ब्लॉक हुआ है, वो तो लौट के नहीं आएंगे। भैया आपने तो गलती कर दिया है, तो गलती का सजा तो माफी यहां नहीं है 5 मिलियन सेल्स में। लेकिन हाँ, जो लोग मिस्टेक किए हैं, मिस्टेक से जो है कंट्री कोड गलत डाल दिए, मिस्टेक से कंट्री गलत डाल दिए, है ना, उस तरह का जो है आईडी ब्लॉक हुआ है, तो हो सकता है उन लोगों का आईडी भी ऑन हो जाए। जी हाँ, ये उम्मीद लग रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मेरे जो वाइफ का जो आईडी था 5 बिलियन सेल्स में, वो भी ब्लॉक हो गया था, उनका जो नाम है हमारा लिस्ट से डिलीट हो गया था। अब दोस्तों होता क्या था, जब आईडी ब्लॉक होता था तो आप देखे हो कि आपके डाउनलाइन का जो नाम है, आपके डाउनलाइन का जो नाम है जिनका आईडी ब्लॉक हुआ है, नाम डिलीट हो जाता था, उनका मोबाइल नंबर तक डिलीट हो जाता था। आप देखे होंगे, आपका लेवल में गए होंगे देखने के लिए, तो वहां से डिलीट हो जाता था। तो मेरे वाइफ का भी दोस्तों, हमारे डाउनलाइन में थी वाइफ, तो मेरे फर्स्ट लेवल में उनका भी नाम नहीं था, हट गया था, तो उनका भी आईडी दोस्तों ब्लॉक हो गया था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो आईडी लॉक हुआ है, मतलब जब सिक्योरिटी फॉर्म आया और सिक्योरिटी फॉर्म गलत भरने के कारण या किसी भी कारणवश से जब आईडी लॉक हुआ है और लॉक होने के बाद जब खुलने का प्रोसेस में आया है, तो सभी लोग को जो ऑप्शन आया है रिकवर एक्सेस का, आपने देखा होगा, ये मैं दिखा भी रहा हूं आपको, तो हमको भी आया है। ठीक है ना, तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑप्शन है मेरे वाइफ को भी आया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो ब्लॉक आईडी है वो भी शायद एक्सेस होगा, वो भी शायद ऑन होगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे वाइफ को क्यों आता, भैया चलिए हम लोग का आईडी लॉक हो गया है, ये बात समझ में आती है कि हम लोग सिक्योरिटी फॉर्म वाले में गलत कर दिया, या सिक्योरिटी फॉर्म जो है फॉर्म जो आया उसको हमने बैक कर दिया, कुछ नहीं कर पाया, लॉक हो गया आईडी, तो वो तो बात समझ में आता है कि चलो भैया इसके लिए जो है हम लोग का आईडी एक्सेस हो रहा है। लेकिन मेरे वाइफ का तो डिलीट हो गया था, साफा खत्म हो गया था, तो उनको क्यों ऑप्शन आया है? तो इसका मतलब यह होता है कि जितने लोगों को, चाहे वो वैलिडेशन नहीं करने की वजह से या की ब्राउजर यूज नहीं करने की वजह से, कंट्री कोड गलत डालने की वजह से या कंट्री नहीं डालने की वजह से, इस तरह की गलती से, इस तरह की मिस्टेक से जितने लोगों का आईडी ब्लॉक हुआ है, हो सकता है उन लोगों का आईडी लॉक हो जाए। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपके डाउनलाइन में अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि आप ही को मालूम होगा, मेरे डाउनलाइन में तो हुआ है भाई, तो हमको पता है, तो हम अपने वाइफ के बारे में जानते हैं, तो चूंकि उनको भी आ गया है रिकवरी एक्सेस का ऑप्शन, जिसका मतलब यह होता है कि आपके डाउनलाइन में जितने लोगों का आईडी ब्लॉक हुआ है उनका भी रिकवर एक्सेस का ऑप्शन आया होगा। आपको काम बस यही करना है कि अपने डाउनलाइन में संपर्क कीजिए। बहुत लोग तो आईडी को जो है डिलीट भी कर दिए होंगे, हटा भी दिए होंगे, कीबोर्ड को इंस्टॉल भी कर दिए होंगे कि भाग, जब ब्लॉक हो गया तो रहने से क्या फायदा है। तो आप लोग उनसे संपर्क कीजिए, जाहिर सी बात से आपने अपने मोबाइल में उनका नंबर आपने सेव कर लिया होगा, उनसे आप बोलिए कि भैया एक बार अपना जो है आईडी खोल को देखो, अगर की ब्राउजर अनइंस्टॉल कर दिए हो तो इंस्टॉल कर लो, उसमें 5 बिलियन सेल सर्च करो, लेकिन मोबाइल वही होना चाहिए जिस मोबाइल में तुमने किया था। दोस्तों उनसे करवाइए आप, अगर मान लेते हैं कि आपके डाउनलोड में किसी का आईडी ब्लॉक हुआ है और आपको मालूम है, तो उनसे आप करवाइए, उनसे पूछिए कि क्या तुम्हारे मोबाइल में की ब्राउजर है अभी तक, क्या 5 बिलियन सेल तुम अभी रखे हुए हो। अगर वो बोले कि नहीं, तो उनसे आप की ब्राउजर डाउनलोड करवाइए और 5 बिलियन सेल सर्च करवाइए और देखिए कि क्या उनमें रिकवर एक्सेस का ऑप्शन आया है कि नहीं आया।
दोस्तों वैसे तो हमको मालूम है कि आप लोग बोले हैं कि यहाँ तो अभी आईडी लॉक नहीं हुआ, ये बोल रहे हैं कि जो ब्लॉक हुआ है उसको देखने के लिए। दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग का तो आईडी लॉक हो गया, अनलॉक हो गया ही, हम लोग का तो आईडी खुलेगा ही, ये समय थोड़ा बहुत लग रहा है लेकिन एक दो दिन तीन दिन चार दिन के बाद खुलेगा ही, है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके जो डाउनलाइन कमी है, कमी आया है डाउनलाइन की संख्या में, तो कम से कम उसको भी संख्या को आप बढ़ाइए। क्योंकि दोस्तों ऐसा बात है कि मान लेते हैं कि उनको रिकवर एक्सेस का ऑप्शन आया है, उनको मालूम ही नहीं है, मालूम रहेगा तब ना जाके वो दबाएंगे रिकवर एक्सेस पे आए का प्रोसेस करेंगे, जैसा कि आप कीजिएगा। तो एक बार चेक कर लीजिए, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए अपने डाउनलाइन को, कम से कम संपर्क कर लीजिए जिनका आईडी ब्लॉक हुआ है, उनको ये बात बताइए और देखिए कि क्या उनको मेरी रिकवर एक्सेस का ऑप्शन आया है कि नहीं आया है। अगर रिकवर एक्सेस का ऑप्शन आया है इसका मतलब यह है कि उनका भी आईडी दोस्तों अनलॉक होगा, 5 बिलियन सिर्फ भी उनको मौका दिया है। तो एक बात समझ लीजिए, जो यहां पे फेक आईडी बनाए हैं उनको वो परमानेंट डिलीट कर सकता है, लेकिन मिस्टेक से जिनका ब्लॉक हुआ है, जो है वैलिडेशन वगैरह नहीं करते थे, मतलब किसी न किसी कारणवश से उनका हुआ है, तो उनका आईडी दोस्तों आ सकता है, ठीक है ना। इलीगल काम जो किए हैं उनका भले डिलीट हो जाए, लेकिन वो जो लोग इलीगल नहीं किए हैं, लीगल नहीं है लेकिन उनसे मिस्टेक्स हुआ है, जो पॉलिसी है उसको उन्होंने पालन नहीं किया है, उससे उनका आईडी ब्लॉक हुआ है, तो उनका आईडी दोस्तों लौट सकता है। तो एक बार आप मेहनत कर लीजिए, जाकर थोड़ा अपने डाउनलाइन से मिल लीजिए जिनका आईडी ब्लॉक हुआ है, उनसे देखिए और देखिए कि उनमें ऑप्शन आया कि नहीं आया। ऑप्शन आया है तो दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि जो भी नेटवर्क आपका घटा था वो नेटवर्क आपका लौट के आ सकता है। जब भी आपका आईडी अनलॉक होगा, खुलेगा, तो आप उस नेटवर्क को प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ भैया चलो लौट के आ गया। तो जैसे जैसे घटा था हो सकता है वैसे वैसे आ भी जाए, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि सब लोग दोस्तों फेक आईडी जो बनाए होंगे, बहुत आईडी तो यहाँ पे ब्लॉक हुआ है इसलिए कि उन्होंने कुछ गलत किया है, सही से जो है फॉर्म नहीं फिलअप किया था, सही से जो है कंट्री कोड सब नहीं डाला था, ठीक है ना। तो एक बार चेक कर लीजिए। तो यही मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा था कि प्लीज आप लोग जितने भी अप्लाइनर है, लीडर है, एक बार अपने जो है जो ब्लॉक आईडीज हैं आपके डाउनलाइन में जो हुआ है सिक्योरिटी फॉर्म आने से पहले जो ब्लॉक हुआ था, एक बार चेक कर लीजिए, इससे फायदा आप ही को होगा दोस्त। तो मेरा तो काम था बताना, क्योंकि मेरे वाइफ का ऐसा हुआ है इसलिए मैं समझ रहा हूं कि सभी लोग को आया होगा। क्योंकि अगर दोस्तों अगर नहीं आना होता तो मेरे वाइफ का भी नहीं आता, क्लियर सी बात है। तो ठीक है दोस्तों, यही बताना था इस वीडियो के माध्यम से कि एक बार आप लोग क्रॉस वेरिफिकेशन कर लीजिए, जांच कर लीजिए, ठीक है ना, देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय की 91, जय 5 बिलियन। जय।